हाँ आओ आओ, बहुत जल्दी आयो। नमस्ते सर, फिर क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आपके बेटे की कृपा है हमारे ऊपर। क्यों, आप मेरे बेटे को भगवान मानते हो क्या? नहीं, वो तो हमारा पापा है, जो हमें नहीं पता वो उसे पता है। आपका मतलब क्या है? अरे अभी पता चल जाएगा आपको। अच्छा बेटा बताओ, अगर रात में मच्छर काटते हो तो क्या करना चाहिए? चुपचाप खुजाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप रजनीकांत तो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे। देखा आपका बेटा कितना होशियार है। सही तो कह रहा है, और क्या कर सकते हैं। अरे मोर्टिन, यह दुआ नहीं लगा सकते। आपने तो ये बोला ही नहीं। ये क्या बोलने जैसी चीज है, आपका बच्चा पेपर बहुत ही अच्छा लिखता है। थैंक यू सर, बेटा पेपर ऐसे ही लिखते जाओ। नहीं मैं आपको बताता हूँ, पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि अकबर ने कब तक शासन किया था, तो आपके बेटे ने लिखा पेज नंबर 1 से पेज नंबर 22 तक। सही तो है, हमारे किताब में पेज नंबर 1 से पेज नंबर 22 तक तो शासन किया था। बेटा पेज नंबर पर शासन नहीं किया था, उन्होंने इतिहास की किताब में राज किया था। क्या? नहीं सर, मेरा बेटा बहुत ही होशियार है, आप कौन सा भी सवाल पूछो उसे आएगा। ठीक है, जो डर गया वो घर गया, इस कहावत का अर्थ बताओ। जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा, जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। इसलिए तो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। नहीं, इसका यह अर्थ नहीं होता। आपका बेटा फेल हो चुका है। एक बार बस पास कर दो, फिर कभी फेल नहीं होगा जिंदगी में। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इसने सही जवाब दिया तो मैं इसे पास कर दूंगा। एनर्जी की डेफिनेशन बोलो। सर लास्ट का आता है। ठीक है, जितना आता है उतना बोलो। एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी। बेटा एनर्जी का मतलब घपा घप होता है, तूने तो बोला था मुझे। अब आप ही बोलिए कैसे पास करो इसे। सर इस बार पास कर दो, फिर आगे कभी नहीं शैतानी करेगा। इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं पास कर देता हूँ। ठीक है अब जाओ। थैंक यू सर, मेरा बेटा फिर कभी नहीं परेशान करेगा। वो घर का माहौल हॉर्नी होने के कारण ऐसा हो गया है। ठीक है सर, चलता हूँ। ये कैसा परिवार है?